बताओ भयंकर परी ने गज्जू को कहाँ पे कैद करके रखा है? कौन भयंकर परी और है कौन ये गज्जू फज्जू? मैं नहीं जानता। अच्छा तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। याद आया भयंकर परी और गज्जू? आया याद, लेकिन है नहीं वो यहाँ। सच बताते हो या फोड़ो तुम्हारा सर? वो बताता है गज्जू और परी भयंकर परीलोक में। परीलोक में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे खाने के बाद इतनी मार बोल सकता है कोई झूठ? नहीं मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। चलो परीलोक। जे मुझे पुकार रहे? ये कर रही होगी महागजनी बच्चों को परेशान, इसलिए वो जाए मुझे छोड़कर बच्चों को बचाने ताकि मैं भाग सकूं। अरे बालवीर भूलो इस समय तुम गज्जू को और जाओ बचाने जान बच्चों की महागजनी से। रहे वो सोच क्या बालवीर है बढ़ रहा हर पल कतरा। रुको, तुम्हारी कोई भी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। सच्चाई से बड़ा कोई नहीं होगा, पेड़ से बन जाए तौबा तौबा। बावे, बावे, बावे। अब तुम यहाँ पे ऐसे ही बंदे रहो। को जिसका शिकार एक बेहद छोटी बच्ची है। अरे ये तो अपनी सलोनी है। हे भगवान ये क्या हो गया? लेकिन बाबूजी मैं सिर्फ तो कहा था कि बच्चों को लेकर घर आ रहे हैं। मुझे लगता है उसने फोन किया ना उसके बाद ही ये हुआ है। एक काम करता हूँ उसे फोन करके पूछ लेता हूँ। अब कौन बचाएगा इस बच्ची को? कैसे बचेगी ये बच्ची? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि लगता है कि आज पुलिस हो या बालवीर दोनों ही इस खतरनाक हाथी के आगे नाकाम है। फोन भी नहीं लग रहा है। मैं स्कूल जा रही हूँ भाभी। एक मिनट भाभी, आपका वहाँ जाकर क्या फायदा होगा? वहाँ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इतने सारे लोग वहाँ होकर भी मेरी सलोनी को शादी से दूर नहीं रख पाए। मैं जा रही हूँ स्कूल। लेकिन सलोनी की रक्षा कर, मुझे मेरी बहन के पास जाना है। प्लीज आ जाओ, मेरे बच्चे को बचा लो बालवीर। नहीं मुझे रोक पाओगे बालवीर। मेरे पुत्र को मुझसे दूर करने की सजा हर बच्चे को मिलेगी। अब मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगी बालवीर। महादेवी अब बहुत गलत कर रही है। आपसे विनती करता हूँ आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपको अंत में पछताना पड़े। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पुत्र गज्जू को वापस लेकर आऊंगा। अब मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगी बालवीर। देखिए मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ। मुझे तौबा तौबा के द्वारा पता चल चुका है कि आपका पुत्र गज्जू भयंकर परी की कैद में और भयंकर परी ने उसे परीलोक में कैद करके रखा है। मैं खुद परीलोक जाऊंगा और आपके पुत्र गज्जू को छुड़ा के ले आऊंगा। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो बालवीर? बालवीर सच्चाई और अच्छाई का रक्षक और इसीलिए वो कभी झूठ नहीं बोलता। बस अब मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता कि मैं आपके पुत्र गज्जू को लेकर आऊंगा और आप मुझसे वादा कीजिए कि आप तब तक किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगी।
ठीक है, मैं भी बच्चों पर आक्रमण नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। अब तुम जाओ, लेकिन सूर्यास्त से पहले गच्चू को लेकर आओ, वरना मैं सलोनी और बाकी बच्चों को अपने पाँव के नीचे कुचल दूंगी। ठीक है मालिक जी, आज सब चिंता मत कीजिए, मैं सलोनी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सूर्यास्त होने से पहले महागजरी के पुत्र गच्चू को लेकर आऊंगा। इतनी सारी चोटें कैसे लगी? अब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बालवीर, ये सब कैसे हुआ? और पृथ्वी लोग, वहाँ सब ठीक है ना? महागजरी बहुत गुस्से में है रानी परी, मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया है कि वो बच्चों पे वार ना करे। यानी बालवीर, अब महागजरी मान गई है ना कि गज्जू हमारे पास नहीं है? नहीं, पर मैंने महागजरी से कहा है कि वो चाहे जो भी माने, लेकिन मुझे पता चल गया है कि गज्जू कहाँ है और मैं उन्हें उनका पुत्र वापस लौटा के रहूंगा। बालवीर, आप जानते हैं कि गज्जू कहाँ है? हाँ रानी परी, भयंकर परी और गज्जू यही परीलोक में। क्या? नहीं, भयंकर परी यहाँ छुपने की गलती नहीं करेगी। बालवीर, नहीं भटकाती परी, ऐसा करना उसकी बेवकूफी नहीं होगी बल्कि उसकी अकलमंदी होगी, क्योंकि परीलोक से सुरक्षित जगह उसे नहीं मिलेगी छुपने के लिए। बालवीर, आपको पूरा विश्वास है कि भयंकर परी गज्जू के साथ परीलोक में ही है? हाँ डरी परी, क्योंकि ये बात मुझे खुद तौबा ताबा ने बताई, जिसे मैंने पृथ्वी लोक पे पकड़ा। फिर तो बालवीर, हमें भयंकर परी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, इसमें हमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ रानी परी, हमें एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। हाँ परी, आप सब सही कह रहे हैं, हम अभी पता लगाते हैं कि भयंकर परी ने गज्जू को परीलोक में कहाँ छुपा कर रखा है। आइए परी। तरंगे पूरे परीलोक में सुनहरी पड़ेंगे, सिवाय उस जगह के जहां भयंकर परी ने गज्जू को छुपा कर रखा है। ये तरंगे गिरते ही लाल रंग की हो जाएंगी। बालवीर, वो जगह ही हमारी मंजिल है। वो देखिए रानी परी, उस जगह पर तरंगे लाल हो गई है, जन भयंकर परी वहीं पर है। रानी परी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। है बालवीर, भयंकर परी वहां नीचे सुरंग बनाकर छुपी है। अभी वहाँ जाने से सलोनी को खतरा है। पर तब तो मुझे वहाँ जाना ही चाहिए सलोनी। बंगी रुक जाओ, देखो तुम चिंता मत करो, सलोनी बिल्कुल ठीक है और बालवीर ने कहा है तो वो सब ठीक कर देगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ शुभंगी, बालवीर ने कहा वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसके कहने पर ये हाथी इतना शांत है। शुभंगी, ये
भजन है। देखिए यही है वो माता पिता जिनकी बच्ची इस समय उस आतंकी हाथी की वजह से खतरे में है। आखिर कब तक इस हाथी का गुस्सा शांत रहेगा? अगर उससे फिर से गुस्सा आ गया तो क्या होगा? क्या वो फिर से सलोनी पर अटैक करेगा? क्या बालवीर फिर से उसे बचा पाएगा? क्या लगता है आप? क्या कर रही है आप? बेचारी पहले से कितनी डरी हुई है, आप उन्हें वापस ला रही है। आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास है? आप मदद नहीं कर सकती कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किल बढ़ाइए तो मत। नहीं नहीं, ये सही कह रही है, मेरी सलोनी की जान खतरे में। मां गजनी भी एक मां है, मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात जरूर सुनेगी। बस बहुत खेल खेल लिया तुमने भयंकर परी। परियो, मैं अभी इस सुरंग में जाता हूं और भयंकर परी को उसकी हर गलती की सजा देता हूं। नहीं बाली, आप भयंकर परी पर वार नहीं करेंगे। लेकिन क्यों रानी परी? उस भयंकर परी की वजह से हम सबको कितनी तकलीफ हुई है और बच्चों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाँ रानी परी, उसे उसकी गलती की कठोर सजा मिलनी चाहिए। परियो, हम जानते हैं कि इस वक्त हम सब बहुत ही गुस्से में, लेकिन अगर हम कोई भी लड़ाई बिना रणनीति के लड़े तो उसमें हमारा ही नुकसान हो सकता है। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दुश्मन पर हमला करने से पहले हमें अपने दुश्मन की ताकत को आंक लेना चाहिए। रानी परी, आप किस ओर इशारा कर रही हैं? भटकाती परी, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर बालवीर ने भयंकर परी पर ऐसे ही हमला कर दिया तो भयंकर परी सचेत हो जाएगी और हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए भयंकर परी गज्जू को कोई चोट पहुंचा दे। अब बिल्कुल सही कह रही है रानी परी, मैं अपने गुस्से में इस बात पे ध्यान देना तो भूल ही गया। तो क्या दुश्मन के सामने होते हुए भी हम उस पर वार नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन ऐसा वार करेंगे कि उसे हमारे हमले से बचने की तैयारी करने का मौका ही ना मिले, उसे पता भी ना चले और वो हार जाए। ऐसा कैसे करोगे बालवीर? मैंने पृथ्वी लोक पे तौबा तौबा को कैद कर दिया था, इसीलिए अब मैं इस सुरंग में बालवीर बन के नहीं बल्कि तौबा तौबा बन के जाऊंगा और गज्जू को छुड़ाने के बाद मैं भयंकर परी पे अचानक हमला करूंगा। बालवीर, हमें आपकी युक्ति बहुत अच्छी लगी, पर याद रहे चाहे कुछ भी हो जाए गज्जू को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। गज्जू को सुरक्षित महागजनी के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है रानी परी। बालवीर, अपना ध्यान रखिएगा। जी मां। तो यहाँ छुप के बैठी है कायर भयंकर परी। शुक्र है कि गज्जू ठीक है। तौबा तौबा। आ गया आपका तौबा तौबा। तो क्या आरती उतार के स्वागत करूं तुम्हारा? हाँ? चुप, कहाँ गायब हो गए थे? भेजा आपने तो मुझे पृथ्वी लोक। तो वहाँ जाके सो गए थे क्या? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना यहाँ से बाहर क्या हो रहा है ये मैं नहीं जान पाती हूँ। अरे हाँ हाँ, तो बता देता हूँ अभी कि है वहाँ सब बढ़िया है, मचा दी महागजनी ने तबाही पृथ्वी लोक पे, चाहते थे बिल्कुल जैसे आप। शाबाश महागजनी, बहुत बढ़िया। आगे कुछ भी करने से पहले मैं महागजनी की मचाई हुई तबाही को देखना चाहती हूँ। तुम्हारे इस जादुई कुंड में। हाँ हाँ। अब क्या करूं? मुझे तो जादुई कुंड जागृत करना आता ही नहीं है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो भयंकर परी तुरंत समझ जाएगी कि मैं तौबा तौबा नहीं हूं। अब खड़े खड़े सो गए हो क्या? चलो
अपने जादुई कुंड को जागृत करो और दिखाओ मुझे। वो परी भयंकर, आप कह रहा था मैं ये कि ऐसे दृश्यों को साक्षात देखने में है असली मजा, और वैसे भी नहीं दिखेगा आपको सब कुछ इस जादुई कुंड में, आएगा नहीं आपको मजा। इसलिए कहता हूँ मैं कि जाइए आप खुद पृथ्वी लोग और देखिए वो दृश्य अपनी आंखों से साक्षात, और देखिए कि है कैसी मचा रही महागजनी तबाही पृथ्वी लोग पे, और है कैसे बच्चे सारे डर के मारे घूम रहे पृथ्वी लोग पे। या वाह, सही कहा तुमने, अपनी जीत को देखने का मजा तो साक्षात अपनी आंखों से ही देखने में आएगा। तुम सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपी हूँ? बुराई जितना चाहे छुपने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई की रोशनी पड़ते ही उसे सामने आना ही पड़ता है। इस बार बुराई का अंधेरा बहुत घना है नटखट पर, और तुम सब इसमें गायब हो जाओगे। गायब तो तुम हो जाओगे, और साथ ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी बुराई की इच्छा। बुराई का खेल इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता रानी परी। नहीं भयंकर परी, इस बार बुराई भी खत्म होगी और उसका खेल भी। हंस लो, जितना हंसना है उतना हंस लो भयंकर परी, क्योंकि बहुत जल्द बालवीर गज्जू को छुड़ा लेगा, और उसके बाद तुम आराम से अपने हार के आंसू बहाना। बालवीर आजाद कराएगा गज्जू को? हाँ, जो तुमसे सुरंग में मिला था वो तौबा तौबा नहीं, हमारा बालवीर था। क्या? अब तुम्हारे हार के साथ अंत हो गया तुम्हारे साजिश का, जो तुमने महागजनी को हमारे खिलाफ भड़का कर रची थी। भयंकर परी का हर कदम एक साजिश है तुम सबके खिलाफ, और इस बार तो मैंने ऐसा जाल बुना है जिसे बालवीर भी कभी नहीं तोड़ पाएगा। उसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा भयंकर परी, जब बालवीर गज्जू को अपने साथ लेकर आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम नहीं जानती कि जैसे ही बालवीर गज्जू को निकालने के लिए उस पिंजरे को छुएगा, पूरी सुरंग में आग लग जाएगी। जिसमें गज्जू और बालवीर दोनों ही जल के भस्म हो जाएंगे।